में एक ऐलान है, आप समाप्त फरमा लें। बरोज़ इतवार 7 जनवरी बमकाम जामा मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा, ज़ेरे सरपरस्ती जमीयत अहले हदीस मुंबई के ज़ेरे निगरानी एक दीन रहमत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें आप तमाम की शिरकत ज़रूरी होगी। आप तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि आने वाले 7 तारीख को बरोज़ इतवार के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर जहर की नमाज तक ये खसूसी नशिस्त होगी मस्जिद के जिम्मेदारान और अइम्मा के लिए। मस्जिद के उमूर और मदारिस के उमूर पर कुछ अहम बातें की जाएंगी, जिसमें शिरकत जिम्मेदारों की बहुत ही ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि यहाँ की मकामी जो जमीयत है, चीता कैंप की मकामी जमीयत अहले हदीस और ख़ास तौर से उसके जिम्मेदारान, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक दीन की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे उमूर को उन्होंने यहाँ अंजाम दिया है, जिससे इंसानियत बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो रही है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रोग्राम हो रहा है मोमिनपुरा में, तो 10:30 बजे से लेकर जहर की नमाज तक ये खसूसी नशिस्त है अइम्मा और जिम्मेदारान मस्जिद और मदरसे के लिए। उसके अलावा बाद असर ता 10 बजे सब ये ओपन ग्राउंड झूला मैदान के अंदर होगा, जिसमें आम लोगों की शिरकत भी ज़रूरी है। और ऐलान ये किया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर जमीयत की ज़ेरे निगरानी मौलाना अब्दुल सलाम सलफी हफिजहुल्लाह की ज़ेरे सरपरस्ती में ये दीन रहमत कॉन्फ्रेंस हो रही है, और अपील की गई है जमीयत की जानिब से कि आप तमामी हजरात उसमें शिरकत करें और उसमें होने वाले दीन रहमत के ताल्लुक से जो भी बातें होंगी आप उससे मुस्तफ़ीज़ हों और अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आप तमामी हजरात से गुजारिश एक बार फिर है कि आप उस प्रोग्राम में शिरकत हों और उस प्रोग्राम के खैर व बरकत से फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ऐसे मौके से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा जमीयत और जमात से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। जमीयत की हिदायतों और उसकी नसीहतों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने अमीर और अपनी जमात के मुताबिक चलने और अपने तमाम उमूर को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।